है और उन्होंने आदि शंकराचार्य के इन्वाइट किया था। कार्यक्रम में मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहा। आदि शंकराचार्य जी का जो मजा है वो लोगों के बीच में पहुँचना चाहिए, उनका कार्य है वो लोगों के सामने पहुँचना चाहिए। इसलिए उनको मैं युवा चंद्र के सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने दिल्ली में आयोजन किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने आयुर्वेद बनारस सुना आपने? धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय पुरुषोत्तम भाई बाला जी से कि वो अवसर देकर श्री अमित की भूमिका का सम्मान करें। माननीय पुरुषोत्तम भाई बाला का माननीय पुरुषोत्तम भाई बाला साहब अवसर देकर श्री अजय बिहारी का सम्मान करेंगे। आई डॉक्टर देवी ने बुद्धि आई जाने श्री नवीन राव साहब आए और अपना सम्मान माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार पुरुषोत्तम भाई। सबसे पहले मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और पूज्य स्वामी जी का वंदन करता हूं। जो भी मंचासीन बड़े लोग हैं, माननीय गोवा के मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत आदरणीय, बहुत प्रिय और बहुत ही सरल हृदय के व्यक्तित्व माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, रंजन गोगोई जी, सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अनायास ही मुझे रोहित भाई ने बुला दिया। मुझे तो सुनने आया था कि मैं सबके विचार पहले सुनूंगा और फिर कुछ भले बोलूं, लेकिन कविता का आदेश हुआ है तो मैं कुछ 8-10 पंक्तियां अचानक से जो कुछ मन में आता है वो बोल देता हूं। अच्छी लगे तो आपकी सहमति के स्वर भी मेरे साथ रहे तो अच्छा है। आज भारत का गौरव पूरी दुनिया में है, भारत की पहचान, भारत का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। मैं भारत पर 10 पंक्तियां सुनाता हूं कि भारत क्या है। बहुत लंबी कविता हो सकती है उस पर कि हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण गुरुग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। बाबा जब सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण गुरुग्रंथ उठाकर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम आर्य भक्त की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं। हमारे भक्त की संतानें, हम शून्य बताने वाले हैं। हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं। हम आदिशक्ति, हम आदि गुरु, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिनसे सारी पृथ्वी जन्मी उस ब्रह्मा की चिंगारी। जिससे सारी पृथ्वी जन्मी उस ब्रह्मा की चिंगारी है। हम हिंद महासागर का जल, हम निगल की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर, बिस्मिल्लाह की चढ़ाई है। हम हिंद महासागर का जल, हम निगल की ऊंचाई है, हम भीमसेन जोशी का स्वर, बिस्मिल्लाह की शहनाई है। हम सूर्य देव का ज्योति कलश, शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के गुरु है। नाचे हम वो मीरा के घुंगरू है। हम मान सरोवर का पानी, हम काश्मीर की केसर है। हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर है। हम शंकर से निष्पाई है, सागर मंथन के अमृत है। हम काम देव, हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि ऐरावत है, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है, दुनिया में सबसे 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 अच्छे हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय आदि शंकराचार्य। आप सबका बहुत बहुत सुनील जोगी जी, आपने आदि शंकर से लेके भगवान शंकर और सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं आमंत्रित करता हूं देश के बहुत बड़े चिंतक, लगातार गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान के प्रति चिंतनशील, लंबे समय तक विद्यार्थी जीवन से प्रचारक के रूप में अपना जीवन जिन्होंने जिया, 5 महीने के प्रधान संपादक आदरणीय हितेश शंकर जी को गुआएं और आदि शंकराचार्य जी के जयंती समारोह को संबोधित करें। आदरणीय हितेश शंकर जी, डॉक्टर अजय मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय,
अंगवस्त्र उड़ाकर आदरणीय हितेश शंकर जी का सम्मान करेंगे। स्मृति चिन्ह मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अजय मीना जी से भी माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से आपको स्मृति चिन्ह भेज कर उनका सम्मान करें। राजस्थान की भूमि से आए हैं डॉक्टर अजय मीना। श्री नितिन शर्मा जी माननीय मंत्री भारत सरकार पुरुषोत्तम रूपाला से आपको स्मृति चिन्ह भेज कर उनका सम्मान करें। कुमावत जी माननीय उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। कुमावत जी मैं आग्रह करूंगा श्रीमती अर्चना हांडा जी से कि श्री हितेश शंकर जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। अंबाला से आई हैं श्रीमती अर्चना हांडा जी परम आदरणीय हितेश शंकर जी प्रधान संपादक का सम्मान करती हूं। मैं आग्रह करूंगा श्री विश्वजीत सिंह जी से श्री महेंद्र गोयनका जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। साथियों आदि गुरु शंकराचार्य की बात स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के साथ मुझे केरल की कालदी भूमि पर जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। उस सरिता को देखने का उसमें स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी और मगरमच्छ की कहानी प्रत्येक सनातनी को प्रत्येक भारतवासी को पूरी दुनिया में मालूम है। आदि शंकर ने महज 32 वर्ष की अवस्था में किस प्रकार से बिना मोबाइल बिना फेसबुक बिना ट्विटर बिना इंस्टाग्राम बिना टेक्नोलॉजी बिना गूगल और बिना किसी प्रायोजन के बिना किसी समर्थवान समूह के सहयोग के बिना किसी झंडा बिना किसी धंधा के केरल से लेकर भारत के चारों धाम में पहुंचकर उन्होंने सनातन धर्म के पुनर्स्थापना का बहुत बड़ा काम किया। वो भगवान शंकर के अवतार थे आदि शंकर। आदि शंकराचार्य जी ने मात्र 32 साल की उम्र में लाखों करोड़ों अनगिनत किलोमीटर की दूरी तय करके इस देश में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। ऐसे महान युवा सम्राट लोग कहते हैं कि भारत में युवा सम्राट के प्रतीक कौन है, कई नामों को लिया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में अगर युवा शक्ति के कोई प्रतीक हैं तो उस महानुभाव का नाम उस महामणि का नाम उस महामणिषी का नाम आदि शंकर है। हम सब उनके परिवार के लोग हैं।